हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम ये एग्जाम्पल्स हमको देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइज 8x² बाई माइनस 6x² वाई। तो बच्चों, फैक्टराइज का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। फैक्टराइज अगर क्वेश्चन में आए तो पहले तो हमें HCF निकालना होगा इनका, और हमने HCF कैसे निकालना है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखेंगे। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, जिससे और ब्रेक डाउन कर ही नहीं सके। जैसे 8x² को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 × 2, बरोबर। इससे और ज़्यादा हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह x² को हम ब्रेक करेंगे x × x, तो ये तो हो गया 8x², तो इसे ब्रैकेट में लगाएंगे। अब माइनस की जगह माइनस, फिर 6x² y को भी हम इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखेंगे। क्या है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स। और 2 × 3 = 6 हो गया, x² को हम लिखेंगे x × x × y। यही हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे, राइट। ऐसे ही हम ब्रेक डाउन कर रहे थे। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है फाइंड करना HCF। HCF फाइंड करना मतलब क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो भी कॉमन फैक्टर्स है दोनों में उसे अलग करना। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये HCF हो गया। अब इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 और नहीं है, इसमें 2 है लेकिन और 2 इसमें नहीं है, तो नंबर्स को हमने चूज कर लिया, HCF है 2। अब अल्फाबेट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 1x। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इस जोड़ी का 1x। बस इतना ही कॉमन फैक्टर्स है बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा HCF हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन डालना है। हम मल्टीप्लीकेशन के बदले ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब इस फर्स्ट मोनोमियल में क्या क्या बच गया है, 2 × 2, बस इतना ही बच गया है 2 × 2, तो वो हम इधर लिखेंगे 2 × 2। फिर माइनस का साइन नीचे उतारेंगे। अब इसमें क्या बच गया है, 3 × y, बस इसे हम इधर लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × x × x = 2x², ब्रैकेट ओपन, 2 × 2 = 4, माइनस 3 × y = 3y, हो गया। बस इतना ही बच्चों, फैक्टराइज हमने कर लिया। क्या किया हमने, HCF बाहर निकाला और बाकी के जो नंबर्स हैं इनके वो हमने ब्रैकेट में लिखे। सो हम कह सकते हैं 2x² and 4 − 3y आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2x² and 4 − 3y आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2A से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6A + 6B, फैक्टराइज करने को कहा है। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में इसे ब्रेक करना। सो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स है, इससे ज़्यादा और हम रिड्यूस नहीं कर सकते। सो 2 × 3 = 6, 6 × a 6a, प्लस के नीचे प्लस, 6 के नीचे 2 × 3 × b, 2 × 3 = 6, 6b, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप HCF निकालेंगे। सो HCF देखिए बच्चों, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इंटू यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है, यहाँ b है यहाँ b नहीं है, मतलब HCF हमारा सिर्फ 6 ही है। अब हमने HCF तो निकाल दिया, अब बाकी के फैक्टर्स को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर डालना है, क्योंकि ये इंटू का साइन है। सो इंटू के बदले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऐसे ब्रैकेट खोल के। तो इसमें अब क्या बच गया बच्चों, a, फिर प्लस के नीचे प्लस, और इसमें बच गया b। तो 2 × 3 = 6, a + b लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, तो 6 और a + b इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसे भी ब्रेक डाउन करना है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ सीधा सीधा हमें दिख रहा है दोनों में हाफ है, लेकिन अगर मैं हाफ का कॉमन बाहर निकालूं
जैसे ये हाफ एक्स को मैं हाफ इंटू एक्स लिख रही हूँ और मैं यहाँ सिर्फ हाफ लिखूँ और ये हाफ को मैं बाहर कॉमन लिखूँ क्योंकि दोनों में हाफ है तो मैं कॉमन तो बाहर लूँगी और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ नहीं है कुछ, तो इस एक्स को मैं यहाँ लिखूँगी ये सॉरी ऐसे, ठीक है। सो हाफ दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर लिखा और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा तो अब क्या बचा, इस ब्रैकेट में तो एक्स बचा फिर प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या ज़ीरो हुआ बच्चों? नहीं। तो क्या मैं हाफ को हाफ इंटू वन लिख सकती हूँ क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन इज द सेम नंबर, करेक्ट। वन वन जार वन और टू नीचे, मतलब मैंने हाफ को हाफ इंटू वन लिखा, राइट। अब इस हाफ को मैंने कॉमन बाहर लिखा, इंटू के जगह पे मैंने ये ब्रैकेट लिखा, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, अब वन की जगह वन, तो मेरा फैक्टर्स है हाफ एंड एक्स प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी एक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में उन्हें ब्रेक करना और सेकेंड स्टेप है एच सी एफ फाइंड आउट करना। सो ए इंटू एक्स, इससे ज़्यादा इसे ब्रेक नहीं कर सकते, और प्लस के नीचे प्लस, बी एक्स का मतलब बी इंटू एक्स। अब इनका एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ मतलब दोनों मोनो बाइनोमियल में क्या कॉमन है, प्लस के नीचे प्लस के आगे ये नंबर है x कॉमन है, प्लस के बाद ये नंबर है इसमें भी x कॉमन है, तो इन दोनों x का कॉमन बाहर लिखेंगे बस। अब यहाँ a है यहाँ a नहीं है, यहाँ b है यहाँ b नहीं है, तो ये सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे। इंटू के जगह मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है तो क्या बच गया बच्चों, a प्लस b। तो हम कह सकते हैं x एंड a प्लस b आर फैक्टर्स ऑफ दिस। अब cdm का मतलब क्या है बच्चों, c into d into m प्लस c into d into t, राइट। ये हमने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स बना दिए, ये है स्टेप वन। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे जो है हमारा HCF। अब c into d को क्या मैं, c इंटू डी इसमें भी है c इंटू डी इसमें भी है, तो क्या मैं c इंटू डी को सी डी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो इसमें क्या बचा, m प्लस के नीचे प्लस, और इसमें क्या बचा t, तो सी डी एंड m प्लस t आर द फैक्टर्स। अब ई सम बच्चों, 28x माइनस 14y। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, मेक इट इनटू इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। सो अगर मैं 28 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 7। सो 2 इंटू 2 इंटू 7, ये इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए, माइनस के नीचे माइनस, और 14 को 2 7 जार 14 इंटू 1, है ना, ये प्राइम नंबर्स, इसे क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। अब कॉमन निकालने की बारी है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इंटू इसमें भी 7 इसमें भी 7, और कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ है 2x, यहाँ और एक्स्ट्रा 2 भी नहीं है, x भी नहीं है, सो 2 इंटू एक्स इधर आ जाएगा, फिर माइनस के नीचे माइनस, अब इसमें बच गया y, तो हमारा आंसर होगा 2 7 जार 14, 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई, सो 14 एंड 2x माइनस वाई आर द फैक्टर्स। इस सम को देखिए बच्चों, 4xy प्लस 4y, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो ये तो इजी लग रहा है 4y। सो हाँ, और एक बात, अब यहाँ 4y दोनों कॉमन निकल गए, अगर मैं ये 4y दोनों कॉमन यहाँ लगा दूँ तो क्या इसमें कुछ नहीं बचेगा बच्चों, बचेगा क्या है वो 1। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 4xy को 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4y को 4 इंटू वाई इंटू 1, क्योंकि
फोर वाई इंटू वन तो फोर वाई ही होगा, तो हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये वन चाहिए, ठीक है। अब फोर और वाई दोनों में कॉमन है, तो मैंने फोर वाई बाहर निकाला और इसमें बच गया एक्स प्लस इसमें बच गया वन, तो ये है हमारा आंसर। अगर आप ये वन नहीं लगाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इस फोर वाई में कुछ नहीं है, तो आप जीरो लिख दोगे, वो गलती नहीं करना, ठीक है। अगर फोर वाई पूरा कॉमन बाहर आ गया, मतलब इधर वन है, तो आप ऐसे लिख के गलती से बच सकते हो। अब 3x² - 6a raised to 6, सो फर्स्ट स्टेप मेक इट इनटू इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। माइनस के नीचे माइनस, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, और a कितनी बार बच्चों, 6 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब कॉमन निकालते हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, बस और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ a है यहाँ a नहीं है, सो दिस इज योर HCF इज 3। सो ये निकाला, अब क्या बच गया इस फर्स्ट टर्म में, x into x x square minus 2 into a raised to 6, क्योंकि ये a हमने 6 बार लिखा है ना, 2 a raised to 6, सो 3x² - 2a raised to 6 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2xy² + 2xy, इसे फर्स्ट हमें ब्रेक डाउन करना होगा, 2 into x into y into y प्लस ये हो गया 2xy square। अब 2xy को हम ब्रेक करेंगे 2 into x into y, कॉमन को सर्कल लगाइए 2 और 2, फिर x और x into y और y, अरे इसमें तो भी कुछ भी नहीं बचा, तो क्या मैं 2 into x into y को into 1 भी लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि सभी कॉमन बाहर आ गए, सो 2xy into 1 is 2xy, सो मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, 2xy into 1 is 2xy, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया, y प्लस इसमें क्या बच गया, 1, सो हमारा आंसर है 2xy y + 1, सो 2xy एंड y प्लस 1 आर द फैक्टर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप सोचोगे मैम ये 36a square, मतलब 2 into 2 into 2, ये तो बहुत लंबा जा रहा है, तो क्या हमें इतना लिखना ज़रूरी है। हम ऐसे सम्स के लिए बच्चों और एक तरीका है जो शॉर्ट है लेकिन बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, 36 और 18 में कॉमन फैक्टर्स क्या है, मेरे को पता है 18 ones are 18, 18 to the 36, तो दोनों में कॉमन 18 है। अगर आपको नहीं आता ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। देखिए 36 का मैंने इधर फैक्टराइजेशन किया और 18 का इधर, तो आप इधर के इधर भी कॉमन फैक्टर्स उठा सकते हो, जैसे यहाँ हो गया 2, तो ये एक कॉमन फैक्टर है, फिर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 3 दोनों जगह पे है तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, और फिर से 3 है तो ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये तो देखिए 2 3s are 6, 6 3s are 18, जैसे मैंने कहा था 18 ones are 18, 18 2s are 36, सो दोनों में देखिए 18 आ रहा था ना, तो अब हमें HCF तो मिल गया, ठीक है। अब इस अल्फाबेट्स में भी तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब यहाँ आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, देखिए यहाँ है ए स्क्वायर और यहाँ है ए क्यूब, तो HCF क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए और ए क्यूब मतलब ए इंटू ए इंटू ए। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या है, ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बरोबर। मतलब अगर कोई अल्फाबेट सेम है और उनके पावर्स है, तो जो छोटा वाला पावर होगा ना बच्चों, वो ही HCF होगा, क्योंकि यहाँ a 2 बार है यहाँ 3 बार है, मतलब कंफर्म्ड है दोनों जगह a 2 बार है, तो हमारा HCF क्या होगा बच्चों, उस अल्फाबेट का जो पावर छोटा है वही हमारा HCF होगा। अब यहाँ देखिए बी क्यूब और बी स्क्वायर, मतलब बी क्यूब मतलब b इंटू बी इंटू बी और बी स्क्वायर का मतलब b इंटू बी,
तो अब यहाँ HCF क्या होगा बच्चों, एक बार ये भी और एक बार ये भी, तो बी स्क्वायर। सो अब वापस से हमने कंफर्म कर लिया, बेस सेम है और पावर 3 and 2 है, तो जो छोटा वाला पावर है वही HCF होगा। तो अब इस तरह से हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो HCF क्या है, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 a square b square। सो दिस इज अवर HCF, 18 a square b square, ठीक है। तो अब आपको यह क्या करना है, इस 36 a square b cube में से 18 a square b square को डिवाइड करना है, क्योंकि HCF तो बाहर आ जाएगा ना। देखिए ये जो हमारा HCF होता है ये हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, बाहर। तो 3 into x square ही तो 3x square हुआ, माइनस 3 2s are 6 a raised to 6, मतलब इसमें से इसको डिवाइड करने वाला ही नंबर अंदर होता है, ठीक है। 3x square को देखिए, अगर मैं 3x square को यहाँ दिखाती हूँ, अगर मैं 3x square को 3 से डिवाइड करूँ तो x square आ गया ना अंदर, और 6a raised to 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 2s are 6, सो 2a raised to 6 आ गया ना अंदर। मतलब इसमें से इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो ही अंदर लिखते हैं। तो आप बच सकते हो इतना बड़ा क्या बोलते हैं टेबल्स, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स निकाल कर फिर सर्कल करके। तो उससे बचने का तरीका क्या है, HCF को निकालो और फिर इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखिए 18 1s are 18, 18 2s are 36, 2 है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए नहीं आएगा, b raised to 3 डिवाइडेड बाई b raised to 2, ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, x raised to a डिवाइडेड बाई x raised to b इज इक्वल टू x raised to a minus b। सो a की जगह है 3, b के जगह है 2, 3 minus 2 1, लेकिन हम b raised to 1 को सिर्फ b ही लिखते हैं, पावर 1 नहीं दिखाते। तो ये तो इसका हो गया, फिर माइनस के नीचे माइनस। अब इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड, सो 18 a cube b square डिवाइडेड बाई 18 a square b square, 18 से 18 कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सो ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, सो ए टू द पावर, ये डिविजन है, x raised to a डिवाइडेड बाई x raised to b इज x raised to a minus b, सो 3 minus 2 1, तो हम 1 दिखाएंगे नहीं, सिर्फ a लिखेंगे। देखिए बिना फैक्टराइज किए ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप ऐसे ही कीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सम आगे भी हैं, तो हम वो भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।